रजनी तो सो रही है माँ, क्या हुआ आपको? आप लोग सब जाइए। लगता आपने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा। अब आप आराम से सो जाइए, रजनी यहीं है। मैं लाइट नहीं बंद करता, ओके? गुड नाइट। आपने वो सब देख लिया जो आपको नहीं देखना चाहिए था, मुझे नहीं देखना चाहिए था। और जो कुछ भी आपने देखा वो सच है। मेरा असली रूप वही है। डरिए मत माँ जी, डरिए मत। मैं यहाँ आप लोगों का प्यार पाने और प्यार देने के लिए आई हूँ, किसी को डराने या सताने के लिए नहीं। ये तो मेरा दुर्भाग्य है कि आज अचानक भेद खुल गया। फिर भी मैं अपने पति के चरणों की सौगंध खाकर कहती हूँ कि मैंने हमेशा इस घर का भला ही चाहा है। और जब तक मैं यहाँ हूँ, कोई ऐसा मेरे की तरफ बुरी नजर से नहीं देख सकता। एक बात और मैं आपको बता देना चाहती हूँ, अगर इस घर का कभी बुरा हुआ तो सिर्फ उस तांत्रिक के हाथों से ही होगा। माँ जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप उस तांत्रिक से कभी मत मिलिए। और जो कुछ भी आपने देखा उसे अपने तक ही रखिए। अगर ये बात बाहर निकली और उसकी वजह से इस घर पर कोई मुसीबत आई तो फिर मुझे दोष न दीजिएगा। Thank you.
आपने झीकी कहा था योगीराज, वो नानी ने है। तेरा तो एक ही बेटा है, कुछ अगर कुछ हो गया तो मेरा वंश खत्म हो जाएगा। योगीराज, मेरे बेटे को नागिन से बचाइए। हम तो उसी दिन उसे असली रूप में लाकर पिटारी में बंद करके ले जाते हैं, लेकिन तुम्हारा बेटा मैं उसे भेज दूंगी। वो कहीं नहीं जाएगा, वो पूरी तरह से उस नागिन के वश में है। मैं कुछ भी करूंगी, अपने बेटे को घर से दूर भेज दूंगी। तो ठीक है, नाग पंचमी के दिन हम तुम्हारे घर आकर नाग देवता की पूजा करेंगे और तुम्हारे सामने उसे नागिन बनाकर ले जाएंगे। हमें उस नागिन की जरूरत भी है। पास जाने के लिए मना किया था ना? माझी, क्या आप क्या कर रही हैं? बहू, मुझे माफ कर दे। मेरे पांव छूकर क्यों मुझे पाप का भागी बना रही हैं? पांव तो मुझे आपके छूने चाहिए। बहू, मेरे बेटे को छोड़ दे। क्या आप क्या कह रही हैं? मैं उन्हें कैसे छोड़ सकती हूँ? वो मेरे पति हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो एक आदमी है। तो आप जानना चाहती हैं? मैं सब बताती हूँ। ड्राइवर, गाड़ी खंडर की तरफ लो। पहचानती हैं आप? हाँ, यह हमारे कुल देवता का मंदिर है। इन्हीं के प्रताप से राजीव पैदा हुआ था। फिर आपको ये भी याद होगा कि उनके छठे जन्मदिन पर पूजा करने के लिए आप यहाँ आई थी। हाँ, मुझे सब कुछ याद है। ओम तां पीं तौं सः शनिश्चराय नमः। ओम चंद्रो देवताय नमः। ओम सूर्यो देवताय नमः। ओम बुद्धो देवताय नमः। ओम शनिश्चर देवताय नमः। ओम सूर्यो देवताय नमः। ओम कर्पूरकारं करुणावतारं संसारतारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं बच्चे को सांप ने काट लिया। अरे ये बच्चा किसका है? इसको सांप ने काट लिया। राजू, क्या हुआ मेरे बच्चे को? इसे सांप ने काट लिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राजू देखो तो, क्या हो गया? जमीन पर गए, कुछ करिए, बचाइए मेरे बेटे को। राजू बेटा, आंखें कौन? बेटा आंखें कौन? राजू, अगर मेरे राजू को कुछ हो गया तो मैं भी हर रो के जान दे दूंगी। निरंजन, क्या हुआ? महाराज, बच्चों को सांप काट लिया। राजू आगे खोल। महाराज, मेरे बेटे को सांप ने काट लिया। ठहरो माई, हमें देखने तो दो। बेटे को बचा लीजिए महाराज। किसी ने सांप को काटते हुए देखा? हाँ महाराज, मैंने देखा है। बहुत बड़ा सांप था, उस तरफ गया है। माई, आप जरा दूर चले जाइए। जाइए।
बेटा तो आपको मिल गया, लेकिन उन्हें बचाने के लिए मुझे कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी ये कोई नहीं जानता। तुम्हें कीमत चुकानी पड़ी? आपका बेटा तो मर चुका था माँ जी, लेकिन उस तांत्रिक ने मंत्रों की शक्ति से मेरे नाक की जान निकालकर आपके बेटे में डाल दी, और मैं तब से अपने मरे हुए नाक को संभाल कर रखी हूँ इस उम्मीद पर कि कभी तो आपका बेटा यहाँ आएगा, मैं उसे काटूंगी और मेरा नाक जिंदा हो जाएगा। और वो एक दिन यहाँ आए, उनके अंदर मेरे पति की जान है, इसलिए मैंने उनके पांव छुए। फिर मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे मन की कमजोरी थी, मैंने उन्हें काटने की कोशिश की लेकिन वो बच गए। दोबारा किसी मौके की तलाश में मैं उनकी बग्घी से लिपटी आपकी हवेली पहुंच गई। वहां पहली बार मैंने एक माँ और बेटे का प्यार देखा, माँ की तड़पती हुई ममता देखी। मुझे लगा अगर उन्हें खुश हो गया तो आप भी जिंदा नहीं रह पाएगी। मैंने आपके बेटे को डसने का इरादा तो छोड़ दिया, लेकिन अपने पति को पाने का नहीं। मैं एक इच्छाधारी हूँ, कोई भी रूप ले सकती हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि आपका बेटा आपसे छीन कर अपना सुहाग पाने से अच्छा है कोई ऐसा तरीका निकाला जाए कि आपके बेटा आपके पास रहे और मेरा सुहाग भी मुझे मिल जाए, इसलिए ये रूप लेकर मैं उनसे मिली। डरिए मत माँ जी, ये दोनों सांप हमारी रक्षा करने के लिए हैं। इन दोनों के होते हुए कोई भी मुझे और इस नाक को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं उस रूप में कभी नहीं आऊंगी, और आपसे विनती है आप उस तांत्रिक के पास कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे घर का विनाश अगर होगा तो उसी के हाथों होगा। पहले जख्म देती हो, फिर मरहम लगाने खुद आती हो, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं जानता था कि तुम जरूर आओगी शहजादी साहिबा। क्यों आऊंगी? परवाना जलती हुई शमा के पास क्यों आता है? भावरा फूल पर क्यों मंडलाता है? प्यासा कुएं के पास क्यों जाता है? शहजादी साहिबा, हमारी मोहब्बत तुम्हें हमारे पास खींच लाई है। मैं तो ये बताने आई हूं कि कल सुबह का सूरज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी सूरज होगा। अगर कल सुबह का सूरज हमारे लिए आखिरी सूरज है तो यह चांद भी उस सूरज के इंतजार में सो नहीं पाएगी, क्योंकि हमने तुम्हारे होठ पर जो मोहब्बत की मोहर लगाई है वो तुम्हें चैन से सोने नहीं देगी शहजादी साहिबा, यह हमारा दावा है। गुलाम, ए
इस मखमली संगे मरमर के तराशे हुए जिस्म पर क्यों जुल्म कर रही हो? इसे हमारी आगोश में आने दो, सुकून मिलेगा। शहजादी साहिबा, जिस्म संगे मरमर की तरह सख्त, दहकते हुए अंगारों की तरह ये होंठ, मगर हाथ फूल की टहनी की तरह नाजुक हैं। इनसे लहराने का नहीं, जिस्म सहलाने का काम लिया करो। गुलाम, शाकिर से कहना यास्मीन ने बतौर तोहफा इन दोनों को भेजा है। क्या यास्मीन ने हमारे लिए दो कबूतर तोहफे में भेजे हैं? मतलब यास्मीन हम पर मेहरबान है, यानी यास्मीन से शादी करके उसके बाप का तख्त और ताज हासिल करने के बाद बादशाह बनने का जो हमारा ख्वाब है वो पूरा हो जाएगा। जमाना गवाह है, हम यानी शाह शकुरबीन अब्दुल्ला के बांजे वलीअहद सल्तनत शहजादे वक्त हजरत शाकिर इंसाफ पसंद है। झूठ बोलता है सालिम कहीं का, खुदा की लानत है। हम हजरत शाकिर रहम दिल है। अरे शैतान के दिल ही नहीं है तो रहम कहां से लाएगा? इन मुजरिमों को सजाए मौत तजवीज की गई है, जिसके दुख से हमारा दिल अंदर ही अंदर खून के आंसू रो रहा है। इसलिए हम इन्हें जिंदा रहने का एक मौका जरूर देंगे। उस पहाड़ी को पार करने में एक मिनट का वक्त लगता है, इनमें से जो तोड़कर उस पहाड़ी को पार कर लेगा वो जिंदा रहेगा, और जो नहीं उसकी मौत का हमें अभी से अफसोस है। सिपाहियों, यास्मीन, जहन नसीब, आइए आइए। एक बात बताइए, यहाँ से भागकर पहाड़ी पार करने में सचमुच कितना वक्त लगता है? कान करीब लाओ, क्योंकि हवाओं के भी कान होते हैं। दुनिया का सबसे तेज रफ्तार दौड़ने वाला शख्स जो हमारे शिकार गांव में है वो भी इस पहाड़ी को दौड़कर 3 मिनट में पार करता है। 1 मिनट तो हमने इन बेचारों का दिल रखने के लिए कह दिया, नहीं तो ये भागते नहीं और हमें हमारा शिकार मिलता नहीं। देखो यास्मीन, हजरत शाकिर का निशाना देखो।
क्या ख्याल है जाना, ये पहाड़ी एक मिनट में पार कर सकते हैं? नहीं सुल्तान, बिल्कुल नामुमकिन है। तो फिर इसे पहले जाने देते हैं, जब हमारी बारी आएगी तब हम वही पुरानी चाल चलेंगे। वाह क्या बात याद दिलाई है प्यारे, वही पुरानी चाल। मुझे भी साथ ले चलो, मुझे भी साथ ले चलो। सुल्तान जाना 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 शाखी, मेरे दोस्त का खून बेकार नहीं जाएगा। सुल्तान जमायो, निशाना चूक गया शाकिर मियां। शुक्र है फर्स्ट क्लास का टिकट मिल गया, वरना इस लड़की के साथ दूसरी जगह सफर करता ना तो जान निकल जाती तेरी। वो देख कैसे पांव रख के बैठी। सुमो मुझे गलत मत समझना, लेकिन जो कुछ भी तू कर रहा है ना ठीक नहीं लग रहा। अभी भी वक्त है, सोच ले। जी पैसे पैसे दे दो यार। पैसा जरूर लिखना। हाँ ओके बाय बाय। मुझे चोर जैसा लगता है। नहीं यार ऐसा नहीं बोलते। बाय।
आओ ना अंदर। बारिश। हाँ ये सर पे रखो रखो वरना भीग जाओ। सब ठीक है ना? अरे मास्टर जी कहाँ है आप? बस अभी आ रहा के लिए। सिद्धि तुम्हें यहां तक खींच लाई, अब तो तुम्हें हमारी शक्ति का अनुमान हो गया होगा। कहां है तुम्हारा जोड़ीदार? ओ मणि की रक्षा कर रहा होगा। अब तुम्हारा हित इसी में है कि
कि हमारी आज्ञा मानो और हमें उस मणि तक ले चलो। हमें बाबा भैरवनाथ जैसा कमजोर समझ रहे हो जिनकी तुम दोनों ने जान ली थी? हम गोरखनाथ हैं, महासिद्ध अजय बाबा गोरखनाथ। कहां चले नाग देवता? मणि का पता बगैर बताए तुम यहां से नहीं जा सकते। इस रेखा से बाहर अब तुम तभी जा सकते हो जब मुझे मणि का पता बता दोगे, वरना इस रेखा के अंदर ही तुम भस्म हो जाओगे। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा नाग देवता, मणि का पता बताकर अपनी जान बचा लो। मणि तक ले चलो मुझे, नहीं तो वो दंड दूंगा कि सारी नाग जाति बाबा गोरखनाथ का नाम सुनकर कांप उठेगी। तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हारा काल है मेरे पास। पूछो इस केंचुए से मणि कहां है। बहू सुन तो सही। अरे ये क्या हो गया बहू को? मारो इस केंचुए को, मारो और पूछो इससे कि मणि कहां है। आओ, एक बार तुम्हारे हाथ को चमत्कार लग गया और तुम आनंद को छुड़ाने में सफल हो गई तो तुमने सोचा कि तुमने गोरखनाथ को हरा दिया। लेकिन हम इन चमत्कारों और जादू टोनों में विश्वास नहीं रखते। हम तांत्रिक हैं, संसार के सबसे महान तांत्रिक, और हमारी शक्ति से तुम यहां तक खींची चली आई हो। तुम्हें यहां आने का कष्ट शायद हम न देते अगर तुम्हारे दोनों नाग हमें मणि का पता बता देते। इन बेजुबान प्राणियों को अपने स्वार्थ की वेदी पर बलि क्यों दे रही हो गोरखनाथ? तुम जैसे विद्वान साधुओं का काम तो जीव की रक्षा करना है, उनकी जान लेना नहीं। ये लड़ाई रुक दो। ये नाग अगर मणि का पता बता दे तो ये युद्ध अभी रुक जाएगा, और अगर इनकी निष्ठा ने इनकी जबान बंद कर रखी है तो तुम बताओ मणि कहाँ है। और अगर तुमने हट किया तो तुम्हारी भी यही दशा होगी, और तुम्हारे बाद तुम्हारे पति आनंद को भी मेरी शक्ति का सामना करना पड़ेगा। ये नेवला नहीं लड़की, ये शक्ति है, एक ब्रह्मचारी साधु की आत्मशक्ति। शायद तुम एक सती, एक पतिव्रता स्त्री की शक्ति को नहीं जानते हो गोरखनाथ। ये वो शक्ति है जो तुम्हारे जैसे हजार पाखंडियों को भस्म कर सकती है। बंद करो ये लड़ाई। लड़ाई तो अभी शुरू होगी लड़की, ये तो कुछ भी नहीं। तुम्हारे आनंद का भी यही हाल करूंगा।
तेरी शक्ति नहीं लड़की, उस मणि का चमत्कार है। पर ये ना समझ के बाबा गोरखनाथ विवश हो गया, हम तुझे भी नाग योनि में डाल देंगे जैसे तेरे पति को डाला था, और फिर तू हमें मणि का पता बताएगी। उस मणि का मोह छोड़ दो गोरखनाथ, और अपनी शक्ति को मानव जाति की भलाई में लगाओ, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे गुरु भैरवनाथ को हुआ था। चलो। देखा, हमारी सिद्धि को ललकारने का फल, बहुत अभिमान था तुझे अपनी शक्तियों पर। अब देखते हैं तू और तुम्हारे दो नाग क्या करते हैं। साधु की हत्या का पाप अपने सर न लो। दादाजी आप इस पाखंडी को नहीं जानते, इस हरामजादे ने एक मनी के लिए नीलम और मेरी जिंदगी से खेलना चाहा, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं, मैं सब जानता हूं, नीलम ने मुझे सब बता दिया है, इसलिए आज इस खतरनाक खेल को खत्म करने के लिए मैं ये मनी इस साधु को देने के लिए अपने साथ लाया हूं जो कि हवेली में रखी हुई थी। नहीं दादाजी, ये मनी से मत दीजिए, ये एक पागल साधु है, मनी पाने के बाद ना जाने ये क्या क्या करेगा। नहीं आनंद, इस मणि में दैवी शक्ति है, हम दुनियादारों के पास इसका रहना ठीक नहीं। गोरखनाथ, मैं तुम्हें ये मनी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक शर्त है। ये मनी पाने के बाद तुम यहां से इतनी दूर चले जाओगे कि हम जिंदगी भर तुम्हारी कभी सूरत ना देख सके। मुझे मंजूर है, मैं चला जाऊंगा। नहीं दादाजी, ये साधु मनी पाने के लायक नहीं है, एक बार मनी इसके हाथ लग गई तो ये दुनिया में तबाही मचा देगा। बिट्टू, जो चीज मेरे बच्चों के लिए खतरा बन जाए मैं उसे अपने पास नहीं रखना चाहता। नहीं दादाजी, उठा लो ये मनी और चले जाओ यहां। दादाजी मेरी बात तो सुनिए। चला जाऊंगा, हमेशा के लिए चला जाऊंगा। मनी मनी, सारी जिंदगी इसके लिए संघर्ष किया। मनी मिल गई मुझको, मेरे मेरे जीवन भर का सपना साकार हो गया, मुझको वो शक्ति मिल गई जिसके लिए मैंने जीवन भर संघर्ष किया।
मेरा महासिद्धि यज्ञ सफल हो गया, मुझे मेरे महासिद्धि यज्ञ का फल मिल गया, मणि मिल गई मुझको। अब मैं सबको देख लूंगा, सबको, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, अब मैं तुम सबका सर्वनाश कर दूंगा, इसी मणि के हाथों तो तुम्हारा सर्वनाश होगा, मणि मणि। देखो ऐसे पापियों को देवी देवता मरने के बाद भी स्वीकार नहीं करते। अरे मणि कहां गई? मणि अपनी जगह वापस जा रही है दादाजी, वो देखिए। आज मां के दरबार में तुम दोनों को नया जीवन मिला है। प्रणाम करो।